हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था और अबाउट प्रिंसिपल पढ़ा, ठीक है। आज हम अनसोल पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले देखिए हमें क्या करना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हमने एक तरीका बताया था, जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3d, 3d और 4s, 4p, 4d, 4f तक जाएगी, ठीक है। इतना काफी होगा, आगे कर लेंगे हम, 5s आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले s ऑर्बिटल में जाता, फिर ऐसे यू टर्न लेता और फिर वापस ऐसे जाता, फिर 2p में, उसके बाद 3s में, फिर 3p में और उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में और 4p में, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे s में हमें पता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने लिखा था, ठीक है, हंट्स रूल, ठीक है। एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स मतलब अप टू 30 एलिमेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, ठीक है। और वहां से हमें समझ में आ जाएगा हंट्स रूल क्या होता है। जैसे हम हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम की जब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका जेड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1s2। हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद लिथियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1s2, ठीक है। एक और बचा इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर, एक न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जेड इज इक्वल टू क्या आया आपका, 3, तो 2 यहाँ आ गया और इसके बाद किसमें जाएगा, तो 2s1 में आ जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं दोबारा ये लिख देता हूँ ताकि आपको 2s, 2p, 3s, 3d, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। सबसे पहले s में जाता है, उसके बाद अगर फिल हो गया और इलेक्ट्रॉन बचे तो 2s में आएगा, उसके बाद फिल हो गया इलेक्ट्रॉन बचे तो 2p, उसके बाद 3s में, ऐसे ही होते रहता है, ओके। अब हम बात करते हैं z इज इक्वल टू 4 की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसके बाद आ जाएगा बेरिलियम, यहाँ आ जाएगा 1s2, 2s2, उसके बाद z इज इक्वल टू 5 की बात करते हैं, z का मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। बेरिलियम के बाद बोरोन की बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए 5 आएगा इसके बराबर, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम में मैं बार बार कह रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जेड इज इक्वल टू 6, यानी कार्बन की जब बात करेंगे हम तो यहाँ आएगा 1s2, 2s2 और फिर 2+2 4 हो गया, 2 बचा तो ये 2p2 में जाता है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 7 की जब बात करते हैं तो कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3। जेड इज इक्वल टू 8 की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2p4, काउंट करते जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये एटॉमिक नंबर, दोनों ही क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जेड इज इक्वल टू 9 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p5। और फिर आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 10 की जब बात करते हैं तो यहाँ नियॉन आता है, 1s2, 2s2, 2p6। देखिए यहाँ से तो हमें हंड्रेड का कुछ पता नहीं चला, अब पता चलेगा। जैसे हमने ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, एक बॉक्स में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 2 जाते हैं, यहाँ एक है तो हमने एक डाल दिया, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल में कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोला था कि एक बॉक्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो हमेशा अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक स्पिन अप हो जाएगा तो दूसरा स्पिन डाउन हो जाएगा। यहाँ 2 है, s का 2 है, ठीक है, एक और 2, ये 1s1 है, ये 1s2 और ये 2s1 है। तो एक सबसे पहले इस बॉक्स को फिल करेंगे, स्पिन अप स्पिन डाउन, और इसमें एक है तो एक डाल दिया हमने, ठीक है। अब हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम की सिमिलर, ठीक है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम
फाइव पे आते हैं, जेड इज इक्वल टू फाइव यानी बोरोन की बात करते हैं, तो सबसे पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में भी कितने हैं इलेक्ट्रॉन, दो हैं, और पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, पी देखिए पी की जब बात करते हैं तो पी में पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक फिल कर दिया हमने, ठीक है। अब ये पहला इलेक्ट्रॉन है यहाँ फिल कर दिया, अब जब दूसरे की बात करते हैं हम, ठीक है, सबसे पहले ये 1s2 है तो दो आ गया, ठीक है, इसकी बात करें 2s2 है तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे भी दो आ जाएगा। अब 2p2 की जब बात करते हैं तो यही आता है अंशुल, ठीक है। यहाँ हमारा रूल क्या होता है, सबसे पहले देखिए हम ऐसा नहीं लिख सकते, या फिर हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये हो गया, या फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ जो रूल कहता है अकॉर्डिंग टू अंशुल कि सबसे पहले, ठीक है, एक स्पिन का या तो स्पिन डाउन लीजिए या फिर स्पिन अप लीजिए, सिंगली फील्ड करना है, कैसा करना है, सिंगली आपको फील्ड करना है, उसके बाद दोबारा वापस आना है, फिर अपोजिट स्पिन का करना है। लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दो है तो पहले में अगर स्पिन अप डाल दिया तो दूसरे में भी स्पिन अप डालना है और दूसरे बॉक्स में, ठीक है, सिंगली फील्ड करना है, ठीक है, क्योंकि डबल तो होता ही है, हर बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिंगली फील्ड कर देते हैं, ठीक है। आगे और अच्छे समझ में आ जाएगा, देखिए ये दोनों तो सेम होगा, इसमें एक बॉक्स ये सेपरेट है और ये भी सेपरेट है। जब 2p3 की बात करते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है, सिंगली फील्ड करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हमने ऐसा कर दिया कि ये एक दो तीन, ये गलत होता है, ठीक है। हंसुल यही कहता है कि सबसे पहले आप सिंगली फील्ड कर दीजिए सेम स्पिन, अगर स्पिन अप ले रहे हैं तो सारे के सारे स्पिन अप होने चाहिए, स्पिन डाउन ले रहे हैं तो सारे के सारे क्या होने चाहिए, स्पिन डाउन होना चाहिए। अब यहाँ पे 2p4 की बात करते हैं तो ये दो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 1s2 और 2s2, और देखिए 2p4 है, सबसे पहले तीन बॉक्स बन गया, सिंगली फील्ड करिए, उसके बाद बचा तो यहाँ, ठीक है। यहाँ 2p5 की बात कर रहे हैं तो ये दोनों तो सेम होगा, अब 2p5 की बात हो रही है तो देखिए सबसे पहले स्पिन अप सबने, अब थर्ड हो गए, ये फोर्थ और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नियोन की जब बात करते हैं तो ये दोनों तो सेम होगा 1s2 2s2, और उसके बाद जब बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हंसुल बेसिकली कहता क्या है कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन करें या फिर हम इसमें लिखना शुरू करें, इसमें शो करना शुरू करें, तो सबसे पहले सिंगली फील्ड स्पिन सेम स्पिन होना चाहिए, सेम स्पिन, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसमें स्पिन डाउन पहले ले ले, सारे के सारे स्पिन डाउन, सिंगली फील्ड फिर स्पिन अप ले ले, ठीक है, वो आपके रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जनरली बुक में स्पिन अप लेता है पहले, सिंगली फील्ड उसके बाद स्पिन डाउन लेता है। यहाँ पे सर रिफ्लेक्शन से दिखाई नहीं दे रहा, ये Z इज इक्वल टू 9 यानी फ्लोरीन है, Z इज इक्वल टू 8 यानी ऑक्सीजन है, Z इज इक्वल टू 7 नाइट्रोजन, ये नियॉन है। तो ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम हंस रूल को डिफाइन करेंगे, हंसुल क्या कहता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया है कि सबसे पहले सेम स्पिन या पैरेलल स्पिन के सिंगली फील्ड होगा, उसके बाद दोबारा आएगा तो अपोजिट स्पिन डबल फील्ड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन, सबसे पहले हाफ फिल्ड करते हैं उसके बाद पेयर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया आपको सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, क्या होता है 11 होता है। अब देखिए सोडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होगा, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है। 2p6 की जब बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में फिल कैसे होते हैं ये दिखाना चाहता हूं मैं, कि सबसे पहले पैरेलल स्पिन के सिंगली फील्ड कर दीजिए, उसके बाद अपोजिट स्पिन के साथ इसको पेयर्ड कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने क्या किया, जैसे 2p4 आया है, आपके पास 2p4 आया है तो आपने कर दिया 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा। आपके पास 2p5 है तो आपने क्या किया 1 2 3 और
फिर चार और फिर पांच, ये वाला सही, ठीक है। या फिर ये गलत है, इसका सही तरीका क्या है आपका, तीन आपने बॉक्स बनाया, वन टू थ्री और उसके बाद फोर, ये वाला सही। सबसे पहले सिंगली फील्ड करिए आप, ठीक है, पैरेलल स्पिन पे या फिर स्पिन अप ले लीजिए, ठीक है। जनरली बुक में स्पिन अप लेता है, तो अब मैं इसी की बात करूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। स्पिन अप ले लीजिए सारे बॉक्स में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे, फिर स्टार्टिंग से फिलअप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है आपका हंड स्ट्रोक, ठीक है। हमें इसमें आज के लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे लेक्चर दूंगा और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। और 30 एटॉमिक अप टू एटॉमिक नंबर 30 तक मैं कॉन्फिगरेशन करके दिखाऊंगा, जिसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं, दो एक्सेप्शन होते हैं, उसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये हंड्स रूल समझ में आ गया होगा। बाउ प्रिंसिपल क्या होता है आपका, एन प्लस एल रूल के हिसाब से होता है, ठीक है। क्या होता है उसमें कि जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग है वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटर में फील होता है, ठीक है। उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अच्छे से, अगर आपको समझ में आया वो लेक्चर दोबारा देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नियम तक तो हमने पूरा ही कॉन्फ़िगरेशन किया था, अभी सोडियम का भी मैं कर दिया था, मैं सोडियम से फिर दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है, ओके। सोडियम की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। यहाँ पे करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। उसके बाद क्या आता है आपका, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम का करेंगे, देखिए यहाँ पे 11 है और यहाँ क्या है 12, तो ये सारी चीजें सेम ही होंगी 2p6 तक, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ 3s2, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम का यहाँ तक तो सेम होगा 1s2, यहाँ 12 तक है, 3s2 के बाद क्या आ जाता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, 3s2 के बाद क्या आता है 3p1, ठीक है, क्या आता है 3p1। देखिए अगर समझ में ना आए, मतलब चीजें स्टार्टिंग में याद ना हो आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाली चीजें कर लेना, 2s2p, 3s3p, 3d, ठीक है, 4s4p, 4d, 5s 5p 5d, ठीक है, 4f आएगा, ठीक है, यहाँ या कितना काफी आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, सॉरी ये थोड़ा इधर चला गया, ये 2p में जाएगा, फिर 3s में, और 3s के बाद 3p में, और फिर 4s में, 4s के बाद 3d में जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो मैं एल्यूमिनियम का पूरा ही करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर क्या आएगा 3p1, ओके। एल्यूमिनियम के बाद आपके पास आएगा सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में आपको दिख रहा है यहां से यहां तक सेम होगा और यहां क्या आ जाएगा 3p2 आ जाएगा। सिलिकॉन के बाद आ जाएगा आपका फॉस्फोरस, यहां से यहां तक सेम और यहां क्या आ जाएगा 3p3, फिर यहां आ जाएगा आपका सल्फर, क्या आ जाएगा सल्फर, सल्फर की जब बात करते हैं तो यहाँ तक सेम होगा और ये क्या आ जाएगा 3p4, यहाँ आ जाएगा आपका क्लोरीन, क्लोरीन की बात करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सेम ही होगा 3s होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं आर्गन की, तो आर्गन यहाँ आ जाएगा आपका, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है, और यहाँ आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्या आ जाएगा 3p6। उसके बाद हम 19 बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम में भी सेम होगा, यहाँ 3p6, उसके बाद 4s1 आएगा, और फिर 20 की बात करते हैं 20 कैल्शियम हो जाएगा, यहाँ तक सेम होगा 3p6 तक सेम होगा और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4s2, 3p6, 4s2, ठीक है। देखिए ये लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और बार बार लिखने से चीजें ध्यान में रहती है, ठीक है। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक और भी तरीका होता है, वो शॉर्टकट तरीका, ठीक है। वहां पे क्या होता है आपका कि जो इनर्ट गैस होते हैं, जैसे 18 ग्रुप जिसको जीरो ग्रुप कहते हैं, ठीक है, सबसे पहले हीलियम आता है, फिर नियॉन, आर्गन, उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नियॉन का मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, नियॉन जेड इज इक्वल टू 10 होता है, यहाँ पे क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, यानी ये पूरे फुलफिल्ड होते हैं। तो अगर सोडियम का हम दोबारा मतलब शॉर्टकट करना चाहें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है आपका
एनएच वहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम नियॉन। यहाँ 2p6 तक हो गया, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ कवर हो गए, उसके बाद 3s1। इसका करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, नियॉन 3s2। ओके, यहाँ करना चाहें हम तो हमारे पास क्या आएगा, नियॉन यानी 2p6 तक हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन। बस इसके बाद ये वाला याद रखना है कि नियॉन के बाद 3s शुरू होता है, तो 3s2 3p1। यहाँ पे करना चाहें हम नियॉन 3s2 3p2, यहाँ पे करना चाहें नियॉन 3s2 3p3। ऐसे ही आप करते आएंगे यहाँ तक, नियॉन नियॉन का होता है ठीक है 3s2 3p5। अब दूसरा जो इनर्ट गैस है ये आ गया आपका आर्गन ठीक है। इसके बाद आर्गन वाले के बाद इससे शुरू कर देते हैं हम, अगर पोटेशियम का करना है तो पोटेशियम का देखिए, पोटेशियम में क्या है 3p6 3p6 तक तो आपका आर्गन है, तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि आर्गन 18 होता है, पोटेशियम कितना होता है 19 होता है, बस पोटेशियम के बाद आर्गन के बाद क्या आ जाता है आपका 4s1, ये ध्यान रखिए 4s1 हो जाएगा। अगर कैल्शियम का करना आपको यहाँ पे आ जाएगा आर्गन और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4s2। तो ये शॉर्टकट तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का ठीक है। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नियॉन 10 पे आता है 2p6 के बाद आपके पास 3s1 आता है ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ आ जाता है आपका 3p6 के बाद 3s1 आ जाता है, सॉरी हाँ यहाँ पे ये कैल्शियम और पोटेशियम की जब बात करते हैं तो 3p6 तक आता है आर्गन में, उसके बाद 3p6 के बाद 4s1 ये 19 हो जाएगा, क्योंकि आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर होता है, 18 एटॉमिक नंबर होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 18 ही होंगे। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन अब अप टू 20 हो गया, अब हमें 20-30 करना है जिसमें एक्सेप्शन आएंगे ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, हम क्लास सॉरी थर्ड चैप्टर में जब जाएंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें देखेंगे कि ब्लॉक कितने होते हैं, SPDF होते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम 21-30 की बात करते हैं तो सबसे पहला आ जाता है आपका स्कैंडियम, टिटेनियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज आ जाएगा आपका मैंगनीज, उसके बाद आ जाएगा आपका आयरन, आयरन के बाद आ जाएगा आपके पास निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर, निकल कोबाल्ट और उसके बाद क्या आ जाता है सॉरी कोबाल्ट निकल, ये जेड इज इक्वल टू क्या है होता है आपका स्टैंडिंग 21, जेड इज इक्वल टू 22, जेड इज इक्वल टू 23, 24, 25, 26, 26 यहाँ पे आयरन का ठीक है, और उसके बाद जेड इज इक्वल टू 27 कोबाल्ट निकल कॉपर और उसके बाद आ जाएगा आपका जी 30 तक हमें करना है ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन करना है 30 तक करना है, सबसे पहले देखिए 21 स्कैंडियम, देखिए ये एटॉम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं जितने ज्यादा आपको ऐसे याद रहेंगे उतना ज्यादा हेल्प होगा इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन इनके करने में बहुत ही आसानी होगी ठीक है। स्कैंडियम का करते हैं जब हम ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ पर जब आप काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन तो 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ 20 हो गया ठीक है। उसके बाद 4s के बाद क्या आता है 3d आता है, तो ये 3d और कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1 आ जाएगा, क्लियर है। टाइटेनियम में जब करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 हो जाएगा, वैनेडियम हो गया सॉरी टाइटेनियम हो गया। अब जब वैनेडियम का करेंगे देखिए यहाँ तक 20 तक तो सेम होगा, ये 3d 3 हो जाएगा 23 हो जाएगा। जब क्रोमियम को अभी हटाते हैं ठीक है, क्रोमियम को अभी छोड़ते हैं, क्रोमियम को छोड़ते हैं, मैंगनीज की बात करते हैं तो देखिए 4s2 तक तो 20 होगा,
4s2 तक 20 होगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3d5 25 क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 25। अगर कंफ्यूजन हो रहा है दोबारा मैं इसे लिख देता हूँ कि ये आपका 3d4 होगा जो कि गलत है। यही एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही डिस्कस कर लेता हूँ, मैं सोचा था अभी इसके बाद बताऊंगा। देखिए यहाँ क्या होता है, जब क्रोमियम 24 की जब हम बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, इस कॉन्फ़िगरेशन को अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा और वहां क्रॉस मार्क लिखिएगा। ठीक है, एक्चुअली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और फिर क्या आ जाता है 3d5, ये होता है सही। ठीक है, ये जो क्रोमियम है यहाँ पे ये एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। ठीक है, इस फॉर्म में ये ज्यादा स्टेबल होता है 4s1 3d5। एक्चुअली यहाँ होता है पहले कि फुल फील्ड तो स्टेबल होता ही होता है। फुल फील्ड कोई भी शेल है वो फुल फील्ड हो तो ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई स्टेबल होता है वो होता है हाफ फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 4s1 3d5 के दोनों क्या है, हाफ फील्ड है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये इसी फॉर्म में मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये 4s2 3d4 के फॉर्म में नहीं होता है, 4s1 3d5 के फॉर्म में होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, और इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसमें ऐसा होता है। मैंगनीज की बात करें सिमिलरली 4s2 3d5 हो गया। जब आयरन की बात करेंगे 4s2 तक 20 हो गया, उसके बाद 3d6 हो जाएगा। कोबाल्ट की बात करेंगे 4s2 तक 20 और 27 है तो 3d7 हो जाएगा। ये d इतना बढ़ क्यों रहा है, 1 से 7 तक चला गया, क्योंकि हमें पता है कि d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। यहाँ पे निकल की जब बात करते हैं तो 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन और ये 3d8। ठीक है, कॉपर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। कॉपर के बारे में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4s2 3d9। क्या ये सही है? ये भी एक एक्सेप्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का एक एक्सेप्शन है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाता है, कॉपर का मैं सही वाला यहाँ लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ क्या होता है 4s1 और 3d10 फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड, इस फॉर्म में ये ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ठीक है, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को भी आप लोग लिखिएगा और कटमा क्या लगाइएगा कि ये गलत, उसके नीचे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ताकि ध्यान में रहे कि एक्सेप्शन कौन है। 1 to 30 के बीच में यही दो एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम और दूसरा कौन सा कॉपर। उसके बाद जिंक की जब बात करते हैं तो यहाँ से तो डायरेक्ट देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d10। ओके, तो ये 1 टू 30 एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसे आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। एक्सेप्शंस हमेशा ही पूछता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्रोमियम और कॉपर एक एक्सेप्शन है और कैसे एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम जनरली जैसा करते हैं वैसा नहीं होता है, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें हेरा फेरी होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपको शॉर्टकट वाला लिखना है, देखिए 3p6 तक आप काउंट करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आर्गन लिख सकते हैं और आर्गन के बाद यहाँ तक आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यही एक फायदा होता है शॉर्टकट का कि आर्गन लिख दिया आपने, 3p6 तक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसके बाद आ जाएगा 4s2 3d1। ये किसका है? स्कैंडियम का। अगर ऐसे ही आपको आयरन का लिखना हो तो 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4s2 से स्टार्ट करिए 4s2 3d6। ठीक है, तो ये चीज है, ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा पीरियोडिक टेबल, वहां पे भी इसलिए आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं।